पिछले 10 साल में पूरी दुनिया में भारत पर भरोसा बढ़ा है और मैं हरियाणा के लोगों को एक बात तो जरूर बताऊंगा। कल जब मैं न्यूयॉर्क गया परसों, तो वहां स्वागत के लिए बहुत बड़ी मात्रा में भारतीय समुदाय था, लेकिन सबसे बड़ी बात वो थी कि वहां पर पूरा हरियाणा खड़ा कर दिया गया था। अमेरिका में पली बड़ी हमारी हरियाणा की बेटी और उसके साथ और 5-7 बहनें, हरियाणा के हमारे साथी, उन्होंने हरियाणवा का जो अभी नृत्य आप यहां देख रहे थे ना, वैसा नृत्य न्यूयॉर्क में करके स्वागत कर रहे थे। यानी हरियाणा खड़ा कर दिया था उन्होंने। साथियों, आज एक बात का विश्वास हुआ है कि अब भारत करप्शन, परिवारवाद से मुक्त होकर तरक्की कर रहा है। दुनिया को लगता है कि आने वाले समय में कोई देश सबसे तेज आगे बढ़ेगा तो वो देश है भारत। बेटे, आप बहुत बढ़िया चित्र बना के लाए हो, लेकिन ऐसे खड़े रहोगे तो थक जाओगे। आप मेरे लिए लाए हैं, चलिए मैं मेरे एसपीजी को कहता हूं, वो आपसे वो फोटो ले लेंगे, पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं आपको चिट्ठी लिखूंगा, अपना नाम पता पीछे लग देना। इतना बढ़िया चित्र बनाया है इस बेटे ने, साथियों, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश के लिए, यहां अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए आतुर है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करेगी तो इसका बहुत अधिक फायदा मेरे हरियाणा को होगा, यहां के नौजवानों को होगा, यहां के किसानों को होगा। आज हमारा ये हरियाणा गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर सोनीपत, पानीपत तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों का सेंटर बन रहा है। थैंक यू बेटा, मिल गया मुझे, मिल जाएगा, इनको दे दीजिए। हाँ, शाबाश, अब आराम से बैठो बेटा, देखिए गिरना मत। देश से निर्यात होने वाले 35% से अधिक कालीन और करीब 20% कपड़े हरियाणा में ही बनते हैं। यहां खरखौदा में देखिए, भाजपा औद्योगिक शहर बना रही है। कोशिश यही है
कि यहां के हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिले, रोजगार मिले। हरियाणा भाजपा ने घोषणा की है कि ऐसे अनेक औद्योगिक शहर राज्य के अलग अलग हिस्सों में बनाए जाएंगे। अभी मारुति का कारखाना लगना भी यहां तय हो गया है। आने वाले समय में ऐसे कई बड़े बड़े कारखाने यहां लगने वाले हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के 10 सालों ने भी इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हम मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू विमान और विमान वाहक पोत तक अब भारत में बना रहे हैं। बीते 3 साल में ही मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े सेक्टर में लाखों नए रोजगार बने हैं। आज भारत में बनी चीजें हम उन देशों को भी बेच रहे हैं जहां से पहले हम मंगाया करते थे। अब आप देखिए, भारत में बनी सुजुकी गाड़ियां, मूलतः वो कंपनी जापान की है, सुजुकी कंपनी गाड़ियां यहां बनाती है और जापान वाले भारत से वो गाड़ी मंगवा करते खरीदते हैं। और ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल कहां होता है मालूम है? ये कमाल मेरी हरियाणा की धरती से होता है। हरियाणा की धरती से बने उत्पाद आज दुनिया के बाजारों में पहुंच रहे हैं। यही है नए भारत की ताकत।